सोन पिपळे ऋतुपर्ण रत्नघोष फाइनली मैं आई एम अहमदाबाद पहुँच गया हूँ। मैं अभी अपने भाई के टाउन में जा रहा हूँ। अभी मैं ट्रैवल से तो बहुत भूत की तरह दिख रहा हूँ यार, कचरा रहा। तभी मैं नहाऊँगा धोऊँगा और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। मेरे भाई का डॉम 18 है तो शायद आई गेस मुझे डॉम 18 दिख गया है। नहा धो के मॉम डैड से मिलने जाऊँगा। गाइज मैं फाइनली यहाँ पे आ गया हूँ मेरे भाई के हॉस्टल पे। अभी मैं यहाँ पे डॉम में हूँ जो टू स्टेट्स में आपने देखा होगा। मेरे भाई का रूम इज माय ब्रदर। अभी थोड़ी देर में फ्रेश होके मॉम डैड से मिलने जाऊँगा और फिर मेरा भाई मुझे कैंपस घुमाएगा। आई सी यू गाइस देयर। सो वी आर गोइंग फॉर कैंपस टूर। टर सीनियर सोन पिंपड़े इज टेकिंग मी टू कैंपस टूर। तो अभी जो शाम को प्रोग्राम है कॉन्वोकेशन का, उसकी यहाँ तैयारी हो रही है और ये भाई साहब रोब वोब पहन के शाम को खड़े करने और ये चेहरा दिखाने में शर्मा रहे हैं। इतने बसना रहेगा दादा? हाँ। आणि तुझा फोटो कुठना काढायचा? फॅकल्टी इथे बसणार आहे, इथे कॅमेरामॅन उभा राहील। ठीक आहे, इथे कॅमेरा सेट कर आणि इथं तुला सगळं दिसेल। पहा माझा डॉम, नाही डॉम 17 आहे मागचा, तर तुला इथनं पूर्ण टाइम लग जाते। अभी अभी एक बात का खुलासा हुआ है कि मेरे भाई को मुझसे कुछ लगाव नहीं है। मुझे यहाँ पे बस एक काम के लिए बुलाया गया है जो है फोटो। आई हेट हिम। मुझे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बुलाया है उसने, मुझसे कोई लगाव नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पे टू स्टेट्स का ये वाला सीन शूट किया था। राइट भाई, सीन यहाँ पे बैठ के शूट हुआ था जहाँ अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट बैठे थे। एंड यहाँ पे हर हॉस्टल का एक अलग से नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल जंगल, अर्जुन का है दादा धर्मशाला, तो मेरे भाई के डॉम का नाम है धर्मशाला। बट सिंहगढ़ इज मच बेटर। सिंहगढ़ में एटलीस्ट सज्जनगढ़, पनारा, राजगढ़ ऐसे नाम है। अबे क्या जंगली नाम है फालतू कॉलेज। राइट मिस्टर सोन पिंपड़े। तो ये क्लासरूम एरिया है, वो वैसा का वैसा ही है जहाँ टू स्टेट्स में जैसे दिखाया था। अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर यहाँ पे हम दीवार चाट सकते, इतना साफ है। सो डिसअपॉइंटमेंट, क्लासरूम बंद है। विल ट्राई अनदर क्लासरूम एंड वी हैव अवर टूर गाइड विद अस मिस्टर सीनियर सोन पिंपड़े। दिस इज द बैच फोटो जो यहाँ कॉलेज के दीवार पे लगाया हुआ है। ये लास्ट ईयर का बैच है जो पास आउट हुआ था, जो ग्रेजुएट हुआ लास्ट ईयर। तो आज ये भाई साहब का फोटो वैसा क्लिक होने वाला है और नेक्स्ट ईयर इन भाई साहब का भी फोटो ऐसी दीवार पे लगेगा। स्पेशलिटी अबाउट दिस कॉलेज की ये जो आप वॉल्स देख रहे हो, ये कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, पूरा ब्रिक है और ये पूरे IIMs का थीम है। सारे IIM के कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जो ब्रिक से बने हैं, सारे IIM की थीम सेम। और अभी आई विल शो यू जो शाम को कॉन्वोकेशन है उसकी तैयारी जो चल रही है।
तिकडे पॅरेंट्स बसतील ना आणि इथे प्रोफेसर्स आणि गेस्ट आणि त्या साईडला स्टुडंट. तू कुठे बसणार आहेस? तिथे राईट साईड रो नंबर 17. रो नंबर 17 चेअर नंबर 8. तो ये पूरा वैसे का वैसा ही है जैसे मैंने टू स्टेट्स में देखा था. फाइनली दादा, आर यू एक्साइटेड फॉर टू डेज? क्या तू अपना पैकेज रिवील करना चाहेगा? ही इज नॉट फॉर पब्लिक. ही इज प्लेस्ड बट इट्स नॉट सेफ एक्चुअली टू टेल माय पैकेज बिकॉज़ आई मे गेट किडनैप्ड. आई कॉन्ट रिवील हिज पैकेज बट मैं ये बता सकता हूँ कि ही इज प्लेस्ड विद अ गुड पैकेज जिसका मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है. तो मेरे सारे जो व्लॉग्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर ऋतुपर्ण संदीप भाई. नाउ वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी. सो दिस इज हॉगवर्ट्स सर्कुलर स्टेयर्स. यहाँ पे शायद मना है वीडियो लेना बट मेरा भाई अनजान की बाजी खेल के रिस्क ले रहा है. इतना मोटा हॉल स्टडी हॉल है. ये जो आपने पीछे देखा इट वॉज स्टडी हॉल. पर यहाँ पे शायद करंटली काम चल रहा है. इसके यहाँ पे कुछ टेबल टेबल्स नहीं है. मेंटेनेंस चल रहा है इसका. 150 करोड़ का मेंटेनेंस है इसका. 150 करोड़ का मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे अभी फिलहाल वर्कर्स काम कर रहे हैं इसलिए कुछ है नहीं. नहीं तो ज़्यादा मज़ा आता देखने में. अमेजिंग प्लेस टू शूट अ वीडियो. ये वॉल पे सारे फोटोज़ लगे हुए हैं जो अब तक के IIM के कॉन्वोकेशन हुए हैं. सारे तक के हुए सारे कॉन्वोकेशन के पिक्स मिल जाएंगे आपको. और ये जो है ये पूरा कैंपस मैप है. और अभी फंक्शन के लिए सारे रेडी हो रहे हैं. फूल से रंगोली बन रही है यहाँ पे. यहाँ पे सारी तैयारियाँ. ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ टू सेट के सीन शूट हुए थे. शायद ये वाला सीन शूट हुआ था. दिस इज द IIM अहमदाबाद ऑडिटोरियम. यहाँ पे जनरली सारे होशियार और अमीर लौंडे ही आते हैं जिनके ये अमीर स्पोर्ट्स खेलने के शौक होते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्वॉश कोर्ट. ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है लाइव. ये मैंने हमेशा टीवी पे ही देखा है पर ये आज मैं देख रहा हूँ. मुझे नहीं पता था इंडिया में बनते हैं. और ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. बैडमिंटन कोर्ट और वहाँ पे हाई स्पीक कोर्ट. अभी लंच हुआ. सो आई विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ माय ब्रदर्स रूम. तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है पर हर एक को सिंगल रूम मिलता है. पर ये उसका वर्किंग डेस्क है. ये मेरा व्लॉगिंग सेटअप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. ये शेल्फ उसका चेयर. ये आईना और ये मैं छोटा रूम है. और ये का बेड. और सबसे अच्छी चीज़ हर एक रूम में इन्होंने बालकनी दे रखी है. और ये बहार का व्यू इतना अमेजिंग. IIM अहमदाबाद रॉ. और ये अंदर का भी. तो अभी मेरा भाई नहा रहा है. 3 बजे उसे रेडी होके जाना है और मुझे कुछ फोटोज क्लिक करनी है. तो आई विल सी यू गाइस. तो मेरा भाई अभी रेडी हो चुका है एंड इज गोइंग फॉर द सेरेमनी. बेस्ट ऑफ लक दा. तो अभी मेरा भाई रेडी होके चले गया है सेरेमनी के लिए. सब असेंबल हो गए और वहाँ पे वो लोग ब्लैक रोब होता है वो बांध के देंगे और फिर उनका फोटो शूट होगा. तो वो भी मैं कवर करने जाऊंगा और उसके बाद वो लोगों का कॉन्वोकेशन स्टार्ट होगा जब मैं जाऊँ. बोर हो रहा हूँ इस छोटे से रूम में. बट एटलीस्ट आई हैव भाई का लैपटॉप और बहुत सारा इंटरनेट. यहाँ मुझे आके पता चला कि मेरा भाई बहुत सिस्टमैटिक है. जब मैंने उसका डेस्क देखा यहाँ पे बहुत सारे नोट्स लगे हुए हैं उसके टेबल के सामने. वो नोट्स तो आपको दिखा नहीं सकता बट एक चीज़ मुझे दिख गई है. यहाँ पे स्टिकी नोट्स भी है. तो जब इतने दूर आई है तो यहाँ पे कुछ छोड़ के जाता है. सो लेट्स राइट समथिंग. Was here with 427 सभी YouTube लाइव सेशन. और इसको यहाँ लगा देते हैं. यहाँ पे जो भी आएगा उसे यहाँ पे पता चलेगा कि महाराज यहाँ आए थे और यहाँ पे भी लाइव सेशन करके गए और ब्लॉग भी करके गए. सो यस फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ. अली ने दिया शर्ट पहना है. नीचे मेरी पैंट शूज ऑल फॉर्मल. और अभी मेरे भाई का कॉल आ गया कि का वो रोब पहनने वाला जो भी था वो हो गया है. अभी वो लोग फोटोशूट के लिए जाने वाले. तो मुझे अभी जाना है तुरंत और वहाँ पे टाइम लग लेना है बढ़िया सा. मैं अभी ग्राउंड पर खड़ा हूँ.
जहाँ इनका ग्रुप फोटो का सेशन चालू हो गया है। वो मैंने कैमरा सेटअप करके रखा हुआ है टाइम लैप्स देने के। पर एक बात तो ये है कि जब मैंने कैमरा सेटअप कर रखा था तो थोड़ी देर वीडियो चला, बाद में एक आदमी बीच में आके खड़ा हो गया। अब मेरे को समझ नहीं रहा कि उसको हटाऊ कैसे। वो मेरा कैमरा और वो आदमी जो मेरे फ्रेम के बीच में आ रहा है, शायद उसने मुझे देख लिया। यहाँ पे अभी परेड जो होती है खत्म हो गई है। सारे ग्रेजुएट्स अपनी अपनी सीट ले रहे हैं और अभी उनको उनकी डिग्री मिलेगी। तो मेरा भाई तो चले गया परेड में, अभी मैं अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ। और ऐसा लगता है कैंपस में सबसे डम्बेस्ट बंदा मैं ही हूँ इतने सारे होशियार बंदे देखने के बाद। डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी एंड स्टाफ ऑफ IIMA, प्राउड पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, ऑनर्ड गेस्ट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज श्रीकांत दत्तर एंड आई एम a proud graduate of IIMA. Kuldeep Arvind. Devji Ahir. And request the Indian Institute of Management Ahmedabad Society to confer the diploma on them. Members of the society, may the diploma be conferred on these candidates. By the authority given to me by the Indian Institute of Management Ahmedabad Society, I confer on you the postgraduate diploma in management, and I charge you that in your life, by word and deed, you prove yourselves worthy of it. Congratulations. Be alive to the imaginations and the possibilities and continue to invent the future. After all, you are from IIMA. Thank you. ओके गाइस, कॉन्वोकेशन ख़त्म हो गया है। मेरे भाई को डिग्री मिल गई, अभी इज फाइनली अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIM अहमदाबाद एंड यस आई एम प्राउड ऑफ हिम। और प्लेसमेंट की तो बात हुई है, वैसे तो शायद मुझे कुछ पैकेज में से मिल जाए, राइट? मे बी। ओके देन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम अंडर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।